आपने कुछ नोटिस किया? ये फाइज भाई इस लड़की के बहुत आगे पीछे नहीं फिर रहा है? नोटिस मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, हर चीज पर नजर है मेरी। लड़की पहन का क्या है ये? देख रही हो तुम? हमारे मेहमान क्या सोच रहे हो? किस किस्म के लोगों को बुलाए हमने? रायान, हमने बुकिंग कर लिया है, इतना बड़ा काम आप किसी रैंडम पर्सन को तो नहीं दे सकते ना? लेकिन भाभी बुकिंग से क्या होता है, वेंडर तो चेंज किया जा सकता है, इट्स नो प्रॉब्लम। और मैंने अरीम का काम देखा है, बहुत अच्छा है, यू गोना लव इट। और मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जरा शादी के फंक्शंस खत्म हो जाए ना, सबका दिमाग दुरुस्त करती हूँ मैं। तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि मैंने कितने पापड़ बेलकर कितनी मुश्किल से रायान का रिश्ता ऊंचे घराने में करवाया, और यही मैं तुम्हारे लिए भी चाहती हूँ, फाइज के लिए भी। मगर इसे सिर्फ जमीन पर रेंगते हुए कीड़े पसंद आते हैं। अरे लाइबा बेटा, वेयर आर योर फ्रेंड्स? वो भाई डांसेस देखेंगे, बुलाओ। आयशा डांस तो खैर दिला रहा, आपको भी करना पड़ेगा भाई। हुस्न तेरे तो सोनी नी, अज कोई भी बचदा नहीं, कोई भी बचदा नहीं। सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नहीं, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ओ अखां कालियां सुरमे वालियां जिस्म है कचदा नी, सोने मुख ते लाल सूट पाया बड़ा ही जचदा नी। ये क्या कह रहे हो बेटा? अंदर नाक इनसे आगे नहीं रखूं? ये अल्लाह है, मदद कर परवरदिगार। पापा मैंने आपको खबर इसके नहीं सुनाई है ताकि आप हौसला खोटे, बल्कि आपको तो राजदार बनाया है ताकि आप उनमें मिलकर अम्मी और हरीम की किसी भी जहनी सदमे से हिफाजत कर सकें। आपने अभी हिम्मत ही हार दी, वरना मुझे इस मुसीबत से कौन निकालेगा? देखो बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, अल्लाह मौजूद है और वो हमारा मददगार है, और फिर हम एक दूसरे के मददगार हैं। लेकिन सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना कि आखिर ये 15 लाख रुपए का बंदोबस्त होगा कहाँ से? उसकी आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करूँगा। तो कहाँ से आएंगे इतने पैसे, कैसे हुआ इसका बंदोबस्त? प्लीज आप प्लीज अम्मी को मत बताइएगा। तो आपको तकरीब पैसे ले गया मैंने कहीं? आओ, मैं माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से आपको भी आना पड़ा, मैं बहुत परेशान थी अम्मी और भाई की वजह से। ओह, आई एम सो सॉरी। वैसे आपने भाई की वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेशन की जिम्मेदारी ले तो ली है, पर आई एम श्योर ये काफी चैलेंजिंग और मुश्किल टास्क होगा आपके लिए। मैंने एक चैलेंज समझ के एक्सेप्ट किया, मैं इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा। आप अकेली नहीं होंगी, मैं आपके साथ हूँ। मैं खुद आ जाऊंगी, आप जहमत मत कीजिएगा। आपने ये आई एम श्योर डेकोरेशन की तो बहुत सारे कोर्सेस किए होंगे, ये इतना तकल्लुफ और ग्रेस कहाँ से सीखा है? मैं हालात से। मुझे वो लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जो
अपने हालात से इतना कॉन्फिडेंटली हेड ऑन डील करते हैं। आपने अपनी लाइफ में आगे क्या प्लान किया? क्या मतलब है जिंदगी में आगे क्या प्लान्स है? क्या नासिर साहब ने कुछ कहा है आपसे? सॉरी, ये मेरी और आपकी गुफ्तगु में नासिर कहां से आ गया? ये मेरे जहन कहां कहां भटक रहा है। मैं क्या क्या बोल रही हूँ। मैं माजर चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिएगा। कब तक जाग रही हैं? 12 बज चुके हैं। बेटा ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। और रूफी भी अपने कमरे में और तुम्हारे अब्बा लेट गए। आज कैसी रही तुम्हारी तकरीब? जैसे अमीरों की तकरीबात होती हैं, दौलत जरूरत से ज्यादा हो तो यूं ही लुटाई जाती है। भाई क्यों नहीं आए? थक गया था। फिर तुमने शरीक होकर नुमाइंदगी तो कर दी। रूफी ने सोचा होगा कि शिरकत जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो बता देते। मैं परेशान होती रही कि भाई क्यों नहीं आए। परेशान मत हुआ करो मेरी बच्ची, तुम्हारी परेशान रहने की उम्र नहीं, हंसने बोलने के दिन है। हंसती रह कर। क्या हुआ? कुछ यूं ही प्यार आ गया। हरीम बेटा, नासिर का रिश्ता बेहतर है, मुनासिब है। हमें हाँ कह देनी चाहिए। नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। जल्दी क्या है आपको? जल्दी है मुझे, बहुत जल्दी। बेटा, मैं अपनी नजरों के सामने तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती। फिर ना सिर्फ बचपन से हमारा देखा भाला है, घर के हालात तुम बेहतर समझती हो। मेरी बीमारी सभी कुछ तो खा गई। तुम्हारी उम्र के कीमती साल में से खाने नहीं दूंगी। बेटा, मैं अपनी बची हुई जिंदगी में सिर्फ इस घर की खुशियां देखना चाहती। अगर मेरी बात तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है तो इनकार न कर। जैसे आपकी मर्जी और खुशी, मैं क्या कह सकती हूँ। नासिर के घर वालों को हाँ कह दे। बच्ची,